हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम पंच बलवंत सिंह पंचायत जखोल ब्लाक बनोटी। मैं अपने पंचायत लोगों लिए एक डेपुटेशन के तौर पर एक रिमाइंडर देना हाँ डीसी साहब की, लेकिन अस इतना आए हैं डीसी साहब मौके पर नहीं हैं और उन्हें तहसीलदार साहब की बोलिया। तहसीलदार साहब और भी कुदे साइड उपर गए हैं, उन्हें नायब तहसीलदार साहब की साढ़े को भेजा, उन्हें साड़ी गल सुनी। साड़ी जी समस्या अस पहले भी दो बारी डीसी साहब भी मिल चुके हैं। साड़ा जो रोड एक रस्ते की प्रॉब्लम है पंचायत, कोई 80-90 फैमिलियां हैं जिहड़ी, उन्हें रस्ते आने जाने के कोई साधन नहीं है। एक साइड उज्जल लगता, दूसरी साइड मतलब वही नाला, लेकिन वो चबाखा कवर है। उधर अगे जिहड़ा एक लोगों की कुछ जमीन आती है थोड़ी, उधर प्राइवेट लैंड भी है और दूसरी सरकारी लैंड भी है। अस चाहते हैं कि असें जल्दी कोला जल्दी जिहड़ा उसी रस्ते का शार्ट आउट किया जाए और लोगों जिहड़ी प्रॉब्लम आ रही है। साड़ियां माता भैन काफ़ी सफ़र करा दी, निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उस जाने का कोई उन्हें साधन नहीं है। लेकिन अस दो बारी पहले भी मिली चुके हैं, अज अस डीसी साहब आ गए, इयै गै गुजारिश करने कि जल्दी कोला जल्दी हुण जियां फसल कटोंदी है तो साड़ा जिहड़ा रस्ते का मसला सॉल्व किया जा। अस ज़्यादा नहीं बोलते, इयै बोलने कि असें रस्ते की प्रॉब्लम है जिहड़ी हल की जा। और मेरे पंचायत जिहड़े लोग काफ़ी दुखी उदा एक कुछ फैमिलियां ऐसियां जिहड़े उन्दे आर्मी च घर आह्ले जिहड़े उन्दे नौकरी करा दे, उन्दे बच्चे घर छोटे छोटे वो देश देश के बार्डर उपर लड़ा दे, लेकिन उन्दे फैमिलियां गै चलने का मतलब लोकें अपनी जमीन च जाने का हक नहीं है। और अगर जमीन बिजली पानी जिहड़ी भी है तुसें पता कि ये जमीन बिच्चा ही जांदा, एक दूए दा जांदा, लेकिन कुछ लोग बिच ऐसे न कोई जानी बुझिया रोड अड़का देन और रस्ते प्रॉब्लम खड़ी करा देन। सर कोई 80-90 फैमिलियां कम से कम कोई 1000 पापुलेशन का ग्रां जिहड़ा जिसे कट ऑफ है, बिल्कुल रस्ता नहीं है, पैदल चलने भी हुण मना करा देन भी नहीं चल। तो अस लोग कुदर जाइए, अस डीसी साहब कोल आने, दिख लो तुस दिखा दे माता भैन कियां बेचारियां भुखियां भाणियां किड्डे दूर दा चली जा दियां, और काफ़ी लोगों च रोश है कि अगर दोबारा असें इत्थे आना पौग तो फिर अस धरना भी देंगे। ग्रां दे लोग न, कोई बखले लोग तो है नहीं, कोई बाहर दे नहीं, ग्रां दे लोग न, उन्हें अपने कोल गड्डियां न, अपना सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिक्स करा दे, पता नहीं केह करदे ने, अगर उन्दे कोल गड्डियां भी हैं, बिजनेस भी करा दे, सब कुछ करा दे, लेकिन उन्दे वास्ते पूरा कानून है तो क्या इन्नी जनता दिंदे? तो कोई कानून नहीं है। अगर हिंदुस्तान च रवा दे केड़ा जवाना ज्यादा जिहड़े अज भी लोग पैदल नहीं रस्ता चली सकते हैं। साढ़े अपने निक्के भरा जखोल दे सरपंच बलवंत सिंह होर आख्या कि पहले भी ये 3 बारी डेपुटेशन आया, कई बार लोग आखते कि भारत सरकार साड़ी सरकार है और एल जी गौरमेंट जी है वो सारी गल सुना दे, बाकी नो डाउट कम तो होवा दे, कम्मे का तो कोई हो नहीं है, लेकिन जेडे इशू न यह कौन दिखने, ये 3 बारी आए हैं और यह आखा दे कि असें राजबाग हाईवे बंद करना कि कुदी शाही पर, वो आखा दे कि फलाने जगह फलानी इंडस्ट्री या फलाने काम साढ़े बंदे कम गड्डियां ट्रैक्टर साढ़े लगे दे, असें कुछ नहीं होने देना, असें नहीं नहीं कर सकते, नहीं नहीं लैन देना। और मैं कल भी गल करा दे, मैं डीसी साहब भी गल की, हूँ ही उन्हें फोन किया राहुल पांडे जी, तो आखा मैं बाहर हाँ कुतें, तुस जी गल है अपने रखो, मैं तहसीलदार साहब भी आखने, उन्दर हूँ गल हुई, आए उन्दर भी गल हुई। साड़ी इयै रिक्वेस्ट है सारे जड़े जिन्हें भी पंच सरपंच और जड़े सारे लोग न डीडीसी या चेयरमैन साहब उनकी तरफा जां साढ़े जिहड़े अपने सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर न, सारे तरफा इयै गल है कि जड़ा ये साढ़े 100 फैमिली है जी, और जड़े सारे लोग मैक्सिमम दे लोग साढ़े न बार्डर पर रक्षा करा दे देश की, साढ़े आर्मी च लोग न, और उनकी फैमिली, उनकी माता, उनकी फैमिली, उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे बच्चे कुछड़ ले दे सिरे गंडोले चुके दे ते जाइए जखोल अड्डे पर आवा दे, पूरे उन्हें रस्ता नहीं चलने रेहदा, उन्हें रस्ता नहीं अज दा, और उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है, वो रस्ता जो 60-70 साल का रस्ता है, वो एक कानून भी आखता कि जो रस्ता 60-70 साल का चलता उसी खोलिया जाए, और जोड़ा भी है उसी वो बासका गुरगी जो रोड है उसी कंप्लीट किया जा। और ये दो डीसी साहब ने साफ डायरेक्शन भी दी, तहसीलदार साहब भी, भाई जाइए खोले रस्ते खोलिया जाए, और उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आवा दी, वो अग्गे पिछे गलत लोगों का नाम लेइए, उनका सहारा लेइए कि साढ़े ट्रैक्टर उधर लगे दे, साड़ी उधर अंडरस्टैंडिंग है, उनका बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन च नैटवर्क है,
ते साढ़ा कख नहीं बिगाड़ी सकते। ये गलत गल है, बड़ा गलत मैसेज आ दा। ये राष्ट्रवादी लोग न, देशभक्त लोग न, लोग जो बार्डर की रक्षा करा दे, उनकी फैमिलियां सफर होआ दियां। साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही एक साड़ी रिक्वेस्ट भी और चेतावनी भी है, अगर तुम नहीं करते, जिन्हें लोग पांच सात दिन के बाद बाडियों को कनक की फसलों को वेले होंगे तो फिर लोग आखा हाईवे जाम करके अस वो असें रस्ता खुलाना आता, फिर रस्ता किन्हें नहीं खुलता। एक आदमी की मनमानी उसकी दादागिरी ने जो कुछ चाहते जे पॉलिटिक्स करा दे लोग, कन्नै लोग बिजनेस करा दे, कन्नै इलाके का नुकसान भी करा दे, कन्नै इलाके हर ढंग की नुकसान दिया दे, उंदे असल चेतावनी है, तुसी सुधरी जाओ, है ना। जय हिंद। असि जखोले आए थे, सानू की सानू रस्ते की बड़ी प्रॉब्लम है कि सानू कम से कम 10-20 मिनट लगते पैदल, असं आने असं स्कूल भी जन्ने, साढ़े निक्के भरा भैन सारे पैदल आते हैं, तो सानू बड़ी प्रॉब्लम है। असें कुछ भी लैना होवे जखोले सिरे पर चुक्कियै लैने, मांग ये करने कि सानू रस्ता थ्होना चाहिए, काफ़ी चिर दा रस्ता बना दा अजे तक नहीं बनया, तो सानू रस्ता थ्होना चाहिए। अस कम कम से 3 बार इधर आए अस, तो हम सानू रस्ता मिलने चाहिए है, अज खोल तो आए अस रस्ता जाए तो सू रस्ते बड़ी परेशानी है, साढ़े बच्चे बीमार हो जाए, अस बच्चे उन्होंने बरसात आनी है, कुकड़ियाँ रड़नियां, घा इन्ना इन्ना चढ़ा हों, सोटे लेते होंदियां तो चलदी होंगे मावं गंधाड़े चुकियै, तो साढ़े को जान हों, अस ये है पर साल हो गया हाँ चलता इतने सू रस्ता नहीं दें, नहीं परेशानी तो पर बड़े चिरे दी है, कोई सू रस्ता नहीं है, बंदा चलने वाला रस्ता नहीं है, सू तह कि चलना ही दसो सू, फिर कोई हल तो करो ना, कोई भी जो काम खोल कम कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, तो साढ़े वास्ते क्यों नहीं गौरमेंट कर सकती है, असा नहीं गौरमेंट दे कुछ भी लगने जो कोई काम साढ़े वास्ते नहीं है, कोई भी है जो साढ़े बच्चे गौरमेंट वो कर सकते हैं, जाइए रस्ता कर सकते हैं, जाइए डिप्टियां दे सकते बार्डर उपर, तो उनकी फैमिली वास्ते गौरमेंट कुछ नहीं कर सकती।